गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डेंटिशन इन मेमल्स यानी स्तनधारियों में दंत विन्यास पर चर्चा करेंगे। स्तनधारियों में दंत विन्यास किस प्रकार से उनके मुंह में दांतों का विन्यास पाया जाता है, कैसे दांत होते हैं, कैसे उनकी ओरिजिन होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांतों का अटैचमेंट कैसे होता है, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टूथ एंड टीथ एंड डेंटिशन। कशेरुकियों की मुख गुहा के अंदर जबड़ों की अस्थियों से संबंधित कठोर और नुकीली संरचनाएं दांत पाए जाते हैं जो चबाने का काम करते हैं भोजन को। कशेरुकियों में दांतों की व्यवस्था को दंत विन्यास कहते हैं और स्तनधारियों में दांतों की व्यवस्था को एक पैटर्न को दंत स्तनधारियों में दंत विन्यास कहते हैं। यद्यपि दांत जो है मछलियों से लेकर के और स्तनधारियों तक पाए जाते हैं, पक्षियों को छोड़ करके, पक्षियों में चोंच पाई जाती है उनके स्थान पर, लेकिन मछलियों में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में और मेमल्स के अंदर ये दांत पाए जाते हैं। लेकिन जो मेमल्स के जो दांत होते हैं वो थोड़े से विशिष्ट होते हैं, थोड़े अपने आप में स्पेशलाइज्ड होते हैं। दांत भोजन को पकड़ने का काम करते हैं, दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, उसको पलटने का काम करते हैं। इस प्रकार दांतों का जो प्राथमिक कार्य है वो है शिकार को मुंह में पकड़े रखना। कुछ जो कार्निवोर एनिमल्स हैं वो अपने शिकार को मुंह में पकड़े रहते हैं और उसको उसकी कैनाइन की सहायता से उसे अपने दबोच लेते हैं अपने गर्दन पर, तो वो कार्निवोर एनिमल में काम आते हैं। दूसरे प्राणियों में ये भोजन को काटने या चूरा करने का काम आते हैं। दांतों के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्नलिखित कहते हैं, शिकार को मुख गुहा में पकड़े रखना, ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है इसका। दूसरा काम है रूपांतरित दांत जो है वो भोजन को पीसने वाली मिल यानी ग्राइंडिंग मिल की तरह काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। तीसरा है ये आक्रमण करने में हथियार की तरह काम करते हैं। ये चौथा है ये आत्मरक्षा के लिए हथियार का काम करते हैं यानी डिफेंस सिस्टम में अपनी भूमिका निभाते हैं। दांतों का महत्व क्या है? स्तनधारियों का वर्गीकरण करने में दांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। दांतों के आधार पर स्तनधारियों के प्राणियों का वर्गीकरण किया गया, उनको क्लासीफाई किया गया, उनको कैटेगराइज किया गया है दांतों के आधार पर। दांतों की संख्या से स्तनियों की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। दंत विन्यास से प्राणी के भोजन के प्रकार का पता लगाया जा सकता है। यदि दांत ही मिले हैं अवशेष के रूप में तो उसके भोजन की उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है कि वो शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। दंत विन्यास से स्तनियों की वंशावली और पूर्वज परंपरा निश्चित करने में सहायता मिलती है, उनकी जो हेरिटेज है उसको निर्धारित करने में दंत विन्यास से सहायता मिलती है। दंतहीन स्तनी, ऐसे स्तनी, ऐसे मेमल्स जिनमें दांत नहीं पाए जाते, सभी स्तनियों में दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, कुछ दंतहीन स्तनी भी होते हैं जैसे कि स्पाइनी एंटीटर है, टैकीग्लोसस इसे कहते हैं, कांटेदार चींटीखोर, डकविल प्लेटिपस है उसके अंदर भी नहीं पाए जाते, मिर्मेकोफेगा है जो जिसे एंटीटर कहते हैं, इसके लिए एंटीटर कहते हैं, उसके अंदर भी दांत नहीं पाए जाते। अब जिनमें दांत पाए जाते हैं वो दांत कितने प्रकार के होते हैं? आकार, ये दांतों का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहला प्रकार है उनमें आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकरण। आकार और आकृति के आधार पर दांतों को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक तो होमोडोंट समदंती और एक हेटरोडोंट विषमदंती दांत। तो समदंती दंत विन्यास में क्या होता है कि जंतु के सभी दांत जो है आकार और आकृति में एक जैसे होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, सारे दांत एक समान होते हैं, उनमें कोई विविधता नहीं होती है, ऐसे विन्यास को समदंती दंत विन्यास कहते हैं, जैसे कि वेल में, डॉल्फिन में, पॉर्पोइज में, आर्माडिल्लो में आदि में। दूसरा है विषमदंती या हेटरोडोंट, इनको एनाइसोडोंट भी कहते हैं, ऐसे दांत जिनमें आकार और आकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के हों, अलग अलग एक ही प्राणी के मुंह में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हों, तो उसे हेटरोडोंटी या विषमदंती विन्यास कहते हैं, जैसे कि बंदर में, हाथी में, मनुष्य में। विषमदंती दंत विन्यास में सामान्यतया चार प्रकार के दांत होते हैं, एक तो इंसाइजर्स, सबसे आगे वाले इंसाइजर्स, उसके साइड में कैनाइन्स, फिर उसके साइड में प्रीमोलर्स, फिर उसके बाद मोलर्स। तो एक एक करके इनका थोड़ा डिटेल देखें। सबसे पहले इंसाइजर्स, इंसाइजर जो दांत होते हैं वो प्री मैक्सिला के सबसे आगे के भाग पर, सबसे इंटीरियर मोस्ट पॉइंट पर पाए जाते हैं और ये सिंगल होते हैं या डबल जड़ों वाले होते हैं। ये एकल कस्पिड वाले यानी ऊपर की तरफ इनका जो छेनी के समान संरचना है, नुकीली संरचना है, उसे कस्पिड कहते हैं। ये एकल कस्पिड वाले छेनी के आकार के दांत होते हैं, ये काटने का काम करते हैं, किसी चीज को काटना हो तो ये इंसाइजर काम में आते हैं, जैसे मानव और बंदर में उपस्थित ये होते हैं, परंतु गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो शाकाहारी पशु हैं उनके जबड़ों पर ये कैनाइन, ऊपरी जबड़ों पर कैनाइन नहीं पाए जाते,
केवल निचले जबड़े पर ही कैनाइन पाए जाते हैं। ये रोडेंट्स और लेगोमॉर्फ जैसे कि गिलहरी है, चूहे हैं, और लेगोमॉर्फ में जैसे कि खरगोश, खरा के सदस्यों में आजीवन बढ़ते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर फूड सप्लाई होती रहती है और वो लगातार बढ़ते रहते हैं। इसलिए उनको घिस घिस करके उनको छोटा करना होता है, इनको लगातार घिसना होता है उनको, ताकि वो छोटे उसी आकार के बने रहें। अगर घिसना बंद कर दे तो वो इतने बड़े हो जाएंगे कि उसका मुंह बंद ही नहीं होगा इनका। तो इसलिए खरगोश जो है अपने दांतों को घिसता हुआ रहता है, इसलिए इंसाइजर उसमें पाए जाते हैं। दूसरे हैं कैनाइन या रदनक। ये प्रीमैक्सिला पर कृंतक के यानी कि इंसाइजर के जस्ट पास वाले जबड़ों पर ही दोनों ही अर्धांशों पर पाए जाते हैं। ये कॉनिकल आकार के होते हैं, नुकीले होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं और पीछे से चौड़े होते हैं। ये एकल होते हैं या खुली जड़ों वाले होते हैं, एकल कस्पिड वाले होते हैं, सिंगल कस्पिड इनके ऊपर पाया जाता है। और इनका जो लंबा क्राउन है वो एक जड़ होती है, एक लंबा क्राउन होता है और एक जड़ होती है। ये चीरने और फाड़ने में काम आते हैं। जैसे जो मांसाहारी प्राणी हैं उनके बड़े बड़े जो दांत हैं निकले हुए जिनकी वजह से वो शिकार करता है, वो दांत कैनाइन होते हैं। उन कैनाइन की वजह से ही वो शिकार कर पाता है। कैनाइन मांसाहारी में काफी मजबूत और बड़े होते हैं और चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ये मानव और बंदर में पाए जाते हैं, लेकिन छोटे आकार के होते हैं, इतने ज्यादा शक्तिशाली और बड़े आकार के नहीं होते, लेकिन मांसाहारियों में ज्यादा शक्तिशाली और बड़े आकार के होते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें जो शाकाहारी जानवर हैं इनमें पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं। शाकाहारियों में इनकी जरूरत नहीं होती, इसलिए ये अनुपस्थित होते हैं। ये रोडेंट्स और लेगोमोर्फा के सदस्यों में इनके स्थान पर एक खाली स्थान पाया जाता है जिसे डायस्टीमा कहते हैं, यानी उनमें ये कैनाइन नहीं होते, उसके स्थान पर खाली जगह होती है। तीसरे हैं प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। ये कृंतक के ठीक पीछे की तरफ जबड़ों पर दोनों अर्धांशों पर पाए जाते हैं। ये सिंगल होते हैं या डबल्स होते हैं, बंद जड़ों वाले होते हैं। बंद जड़ों से मतलब है इनमें फूड सप्लाई इन एक पर्टिकुलर एज के बाद में बंद हो जाती है और वो अपनी फिक्स साइज रखते हैं आजीवन। दो कस्पिड वाले होते हैं ये जनरली, यानी दो कस्पिड यानी दो उभार उनमें होते हैं और बीच में गड्ढा होता है, और ये चबाने का काम करते हैं। ये मनुष्य और बंदर सहित सभी स्तनधारियों में पाए जाते हैं। चौथे प्रकार के हैं मोलर्स या पश्चचवर्णक। ये अग्रचवर्णक के ठीक पीछे की तरफ दोनों अर्धांशों पर होते हैं। ये दो या तीन जड़ों वाले होते हैं। इन पर तीन या चार कस्पिड होते हैं यानी उभार होते हैं, उभार और दांत में गर्त पाए जाते हैं। ये चबाने का काम करते हैं और सभी स्तनधारियों में पाए जाते हैं। और उपरोक्त इन दोनों को मोलर्स और प्रीमोलर्स को मिला करके इनको चीक टीथ या गालों के दांत कहा जाता है। ये चार प्रकार के जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया इंसाइजर्स इस प्रकार के हैं, जिनमें सिंगल रूट है और एक कस्पिड है। ये कैनाइन है जिसकी नुकीली कस्पिड है और सिंगल रूट है। ये प्रीमोलर है जिसमें डबल रूट है और इसका कस्पिड भी चौड़ा है, डबल कस्पिड है इसमें, ये की एक कस्पिड है, ये की एक कस्पिड है। और ये मोलर्स हैं जिसमें कई कस्पिड, तीन या चार कस्पिड होते हैं और तीन या चार ही जड़ होती हैं इसकी। तो इस प्रकार से इनको कुल मिलाकर हेटरोडोंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी है वह है संयोजन या अटैचमेंट के आधार पर। दांतों का जबड़ों पर संयोजन किस प्रकार से होता है, इस आधार पर दांतों को तीन प्रकारों में बांटा गया है। एक्रोडोंट यानी अग्रदंती, प्लूरोडोंट या पार्श्वदंती, और थीकोडोंट यानी गर्तदंती। पहला अग्रदंती, अग्रदंती ये होते हैं या एक्रोडोंट वे दांत होते हैं कशेरुकियों में पाए जाते हैं ज्यादातर, स्तनधारियों में तो ये नहीं होते लेकिन कशेरुकियों में पाए जाते हैं, दूसरे कशेरुकियों में। ये रूटलेस होते हैं, एक तो इनमें जड़ नहीं होती, दूसरे ये स्वतंत्र तल पर शिखर से संलग्न रहते हैं यानी जब मसूड़े के जस्ट ऊपर ही स्थिर रहते हैं ये, इनमें जड़ नहीं होती, ज्यादा धसे हुए नहीं रहते। इनमें वाहिनी और तंत्रिका अस्थि मज्जा के पार्श्वी तल के सहारे प्रवेश करती है और ये बार बार टूटते और झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं, यानी रिप्लेसिबल है। ये मछली और मेढक में खूब पाए जाते हैं लेकिन स्तनधारियों में नहीं होते। दूसरे प्रकार के हैं पार्श्वदंती या प्लूरोडोंट। पार्श्वदंती या प्लूरोडोंट वे दांत होते हैं जो यूरोडेला और छिपकलियों में जनरली पाए जाते हैं, और ये दांत स्तनियों में तो नहीं होते हैं लेकिन ये दांत जिनमें होते हैं यानी रेप्टाइल्स में जिनमें होते हैं उनमें जबड़े की अस्थि के भीतरी सिरे से संलग्न रहते हैं और ये जड़ रहित या रूटलेस होते हैं। ये एक्रोडोंट हैं जिसमें चित्र में दिखाया गया एक्रोडोंट, ये प्लूरोडोंट जो साइडों में लगे हुए हैं, और ये हैं थीकोडोंट जो मसूड़ी के अंदर धंसे हुए हैं, जिनका ज्यादातर भाग धंसा हुआ रहता है और कुछ भाग उभरा हुआ रहता है। इनका दूसरा एक चित्र है ये जॉबोन्स, जॉबोन के अंदर ये इस प्रकार से इनका अटैचमेंट होता है। ये एक्रोडोंट, ये प्लूरोडोंट और ये थीकोडोंट।
थिकोडोंट जो है वो स्तनियों में पाए जाते हैं। इनका अधिकतर भाग जबड़े की अस्थि के अंदर धंसा हुआ रहता है, यानी 2/3 पार्ट तो धंसा हुआ रहता है और 1/3 पार्ट बाहर निकला हुआ रहता है। इनकी जड़ें भलीभांति रूटेड होती हैं और विकसित होती हैं, और इनके संलग्न के लिए जबड़ों के स्थान पर एल्वियोलाई एल्वियोलाई या सॉकेट पाए जाते हैं। ये आजीवन नहीं बढ़ते बल्कि एक निश्चित आकार के पश्चात में अपनी वृद्धि रोक देते हैं, जैसे मनुष्य और बंदर में ये पाए जाते हैं। अनुक्रम अगला है, अनुक्रम के आधार पर या सक्सेशन के आधार पर जंतुओं में जीवन काल में दांत कितनी बार आ सकते हैं और कितनी बार झड़ सकते हैं, इस आधार पर प्राणियों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो है मोनोफायोडोंट या एकवारदंती, डाइफायोडोंट द्विवारदंती और पॉलीफायोडोंट बहुवारदंती। एकवारदंती वे प्राणी होते हैं जिनमें केवल जीवन काल में एक ही बार दांत आते हैं, जैसे कंगारू है, चुचुंदर है, प्लेटिपस है। द्विवारदंती वो प्राणी होते हैं जिनके अंदर 2 बार दांत आते हैं जीवन काल में, जैसे कि मनुष्य है। मनुष्य में शुरुआत में जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं या डेसिडुअस टीथ होते हैं, उसके बाद में परमानेंट टीथ आते हैं उसके, वो झड़ जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें बार बार झड़ते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, नए दांत आते रहते हैं, जैसे कि मछली, मेढक और रेप्टाइल्स, इनके अंदर दांत बार बार झड़ते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। ऐसे दांतों को बहुवारदंती या पॉलीफायोडोंट कहते हैं। अब दांतों की संरचना, एक पर्टिकुलर टिपिकल जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है दांत की, वो हम यहाँ पर पढ़ें। एक दांत को हम 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक तो बाहर ऊपर निकला हुआ भाग शिखर, और एक बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन, और एक अंदर मसूड़ी के अंदर धंसा हुआ भाग रूट। ये 3 भाग होते हैं इसके। तो क्राउन जो होता है वो मसूड़ी के बाहर निकला हुआ चमकीला भाग होता है। इस क्राउन के ऊपर एनमल की कठोर परत पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग एनमल होता है दांत के ऊपर पाया जाने वाला, और सबसे चमकीला भाग भी होता है वही। दूसरी मूल जो जड़ है वो जबड़े की अस्थि के अंदर, इनकी जो जड़ है वो अस्थि के अंदर एक गर्तिका में या कूपिका में या सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होती है, अंतःस्थापित होती है। और इन ये इंसाइजर कैनाइन एक ही मूल पाई जाती है, प्रीमोलर और मोलर में 3 या 4 जड़ें पाई जाती हैं। गर्दन जो है वो इन दोनों के मध्य का, यानी कि क्राउन और रूट के मध्य का जो संगम स्थल है उसको गर्दन कहते हैं या नेक कहते हैं। ये मूल के ऊपर का वाला क्षेत्र होता है जो मसूड़ों के भीतर पाया जाता है। दांत का जो अधिकतर भाग है वो डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन एक पदार्थ है, उस डेंटाइन का सिक्रेशन करती हैं ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं, उससे ये दांत बने होते हैं। इनके ऊपर चमकीली जो सतह है वो एनमल की कठोर परत पाई जाती है। कशेरुकियों में शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। दांत की मूल जो है वो जबड़े की अस्थि में सीमेंट के अंदर स्तर के द्वारा एक जमी हुई रहती है। सीमेंट से अस्थि तक फैले हुए एक दृढ़ संयोजी ऊतक रेशों से निर्मित एक पेरियोडोंटल झिल्ली पाई जाती है जो उससे घिरी हुई रहती है। दांत के मध्य में एक पल्प गुहा होती है। इस पल्प गुहा में से रुधिर वाहिनी और तंत्रिकाएं इसमें जाकर के और कनेक्टिविटी करती हैं और उसकी सप्लाई करती हैं, जैसे ब्लड की सप्लाई करती हैं और नर्व्स की सप्लाई करती हैं। जैसे कि ये इसके अंदर ये कलर डायग्राम में ये बताया गया है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं और ये साइड में ये तंत्रिकाएं हैं। तो ब्लड कैपिलरीज तंत्रिकाओं से सप्लाई होती है। ये इस दांत की जो संरचना है, ये ऊपर वाला भाग जो चमकीला और कठोर है वो एनमल है, इसके जस्ट नीचे डेंटाइन है और इसके अंदर एक केविटी है जिसे पल्प केविटी कहते हैं। उस पल्प केविटी के सबसे अंदर की जो परत है वो ओडोंटोब्लास्ट है। ये ओडोंटोब्लास्ट परत ही, परत की कोशिकाएं ही डेंटाइन का श्रावण करती हैं और फिर उसके बाद में ये दांत का निर्माण होता है। इस पल्प केविटी के अंदर ही ब्लड कैपिलरीज और नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है। पल्प गुहा के चारों ओडोंटोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा डेंटाइन का श्रवण होता है। दांत पूर्ण वृद्धि कर लेने के बाद में पल्प की वृद्धि का छिद्र सकरा होता चला जाता है और अंत में बंद हो जाता है और इससे दांत की वृद्धि रुक जाती है। लेकिन कुछ जंतुओं में ये छिद्र बंद नहीं होता और लगातार सप्लाई होती रहती है ब्लड की और भोजन की, तो ये लगातार वृद्धि करते रहते हैं, जैसे रोडेंट्स के अंदर, लेगोमोर्फा के अंदर, और एलिफेंट का जो टस्क होता है और जंगली सुअर के जो टस्क होते हैं बाहर की तरफ वो लगातार बढ़ते रहते हैं आजीवन, और उनकी दांत को फूड सप्लाई जारी रहती है तो उन्हें लगातार, इसलिए वो शरीर से बाहर यानी मुंह से बाहर भी निकले आते हैं। डेंटाइन में अनेकों कैनाली क्यूली पाई जाती हैं और इसमें ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं के प्रवर्ध पाए जाते हैं। रूट में डेंटाइन के बाहर कठोर सीमेंट का आवरण पाया जाता है। डेंटाइन का उद्भव मेसोडर्म से होता है और एनामल का जो उद्भव है वो एपिडर्मिस से होता है। दांतों की उत्पत्ति के बारे में स्तनियों में यानी मेमल्स के अंदर मैक्सिला और प्रीमैक्सिला और डेंटीरा डेंट्री जिसे कहते हैं, यानी लोअर मैंडिबल को डेंट्री कहा जाता है, उसमें उसके मसूड़ों पर ये पाए जाते हैं।
अन्य सब कशेरुकियों की भांति स्तनियों में भी दांत का परिवर्धन उपास्थल मछलियों के समान प्लेकोइड स्केल के समान ही होता है। दांत का एनामल का उद्भव एपिडर्मिस से और डेंटाइन का उद्भव मेसोडर्म से होता है, ये पहले बता चुके हैं हम। प्रारंभ में जबड़े की अस्थि के कोर के सहारे, जैसे दांत की उत्पत्ति जब होनी होती है तो शुरुआत कैसे होती है, जबड़े की अस्थि कोर के सहारे एक्टोडर्म की थिकनिंग से दांत का निर्माण होता है। एक्टोडर्म एक आधारी स्तर होता है जिसमें मेलपिगिन लेयर कहते हैं, इसके नीचे स्थित जो डर्मिस है उस डर्मिस में एक कंटक के समान यानी कांटे के समान ट्रांसवर्स फोल्डिंग बनती है जिससे डेंटल लमीना बनता है जो बाहर की तरफ अधिचर्म से अपना संबंध स्थापित करता है। मेसोडर्मल सेल्स एक्टोडर्मल फोल्डिंग या डेंटल लमीना के नीचे तेजी से वृद्धि करके और अंतरालों पर ठोस कलिका के समान उभारों की एक श्रेणी बनाता है जिसे दंतांकुर कहते हैं या टूथ जर्म कहते हैं। इनकी संख्या दूध के दांतों की संख्या के समान होती है। एनामल प्रत्येक दंतांकुर के उल्टे प्याले के समान उपकला की टोपी के समान संरचना बनाती है, इसलिए इसे एनामल ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये ओरिजिन यहां से शुरुआत होती है, प्राइमोर्डियल पल्प सेल्स हैं ये, और ये आगे चल करके ये डेंटिला पेपिला बना लिया और ये पेपिला धीरे धीरे वृद्धि करता है और आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये पल्प क्यूविटी बन रही है, धीरे धीरे पल्प क्यूविटी बड़ी हो गई और इसके ऊपर ये डेंटाइन की परत है और ये जस्ट ऊपर ये सफेद वाली चमकीली ये एनामल की परत है। और इस प्रकार से ये अब तक इस स्थिति तक यानी ई तक ये मसूड़ी के अंदर ही है। मसूड़ी के अंदर से फिर झांकना शुरू करता है, ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है और ये डेंटाइन सबसे बाहर की डेंटाइन परत एनामल परत, उसके नीचे डेंटाइन परत और उसके नीचे ये पल्प कैविटी और पल्प कैविटी की चारों ओर होती है ये ओडोन्टोब्लास्ट और इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है और ये मसूड़ा का संरचना है। एनामल ऑर्गन के नीचे मेसोडर्मल एग्रीगेशन और डर्मल डेंटिला पेपिला कहलाता है। इसके बाह्य स्तंभीय कोशिकाएं ओडोन्टोब्लास्ट में परिवर्तित हो जाती हैं, विभेदित हो जाती हैं, जो अपने बाहर के तल के चारों ओर डेंटाइन की परत का श्रवण करती हैं। एनामल अंग के आंतरिक उपकला स्तर की कोशिकाएं उसी प्रकार से एनिमोब्लास्ट बनाती हैं, एमिलोब्लास्ट बनाती हैं, जो डेंटिन के शिखर और पार्श्वों में एक कठोर टोपी के समान संरचना बनाती है। मूल पर एनामल नहीं पाया जाता, दंत पेपिला केवल जो है क्राउन पर पाया जाता है। दंत पेपिला मज्जा या पल्प के रूप में बना रहता है, इसकी केंद्रीय गुहा पल्प कैविटी बना लेती है और पल्प कैविटी में धीरे धीरे ये चीजें सप्लाई होती हैं। ये इसका रेखा चित्र है कि किस प्रकार से दांत का उभार बनता है, उभार से फिर ये उभार बढ़ते चले जाते हैं, पल्प कैविटी बनी, पल्प कैविटी से दांत का धीरे धीरे ये दांत का निर्माण हो रहा है। इस गुहा में होकर के रक्त नलिकाएं और तंत्रिकाएं जैसे अपने ब्लड सप्लाई करती हैं। इस अवस्था तक दांत मसूड़े के भीतर ही रहता है और बाद में ऊपर एपिडर्मिस से स्तर को हटा करके ये निकलना शुरू करता है, इसे कटिंग ऑफ टीथ कहते हैं। दांत के मूल के चारों ओर सीमेंटम प्रकट हो जाता है जो एक रूपांतरित अस्थि होती है। जब दांत पूर्णतया बन जाता है तो ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं, किंतु कुछ जंतु रोडेंट्स लेगोमॉर्फ और एलिफेंट्स में ओडोन्टोब्लास्टिक सेल्स में सक्रिय बनी रहती हैं और दांत को निरंतर फूड सप्लाई करती रहती हैं जिससे दांत लगातार सतत रूप से वृद्धि करते रहते हैं। ये दांत की स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। इस प्रकार से दांतों के बारे में हमने पढ़ा कि स्तनियों के अंदर दांतों की संरचना और दांतों की ओरिजिन, दांतों के प्रकार और दांतों की बारे में, दांतों की ओरिजिन कैसे हुई, दांतों की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए इतना, थैंक यू। इसी के साथ में ये फर्स्ट पेपर का सी सेक्शन भी खत्म होता है और धन्यवाद।